और नेक्स्ट स्पीकर इज तारा प्रसाद बाहिनपति. रेस्पेक्टेड श्री तारा प्रसाद बाहिनपति, हु रिप्रेजेंट्स जयपुर इन ओडिशा असेंबली इन ए डायनेमिक फेयर who represents Jaipur in Jaipur in Odisha Assembly. He is a dynamic, fearless leader of Congress Party in Odisha. He is one man army in Odisha Assembly. When it comes to fighting for farmers' rights, he never lags behind. His pro-farmer and pro-poor stance has put the ruling government at a fix many a times. I think after today's deliberation, he may contemplate and throw a challenge to BJD government by introducing a private members bill to safeguard the interest of our farmers and food security. Actually, my point is, desha swadhinata hela lapan satyagraha hela pare eta gote samastan par gote effect padithila lapan satyagraha gote effect padithila mu chaunchi लवण सत्याग्रह गोटे रिवल्यूशन होता ठीक से गोटे रिवल्यूशन दरकार कारण स्टारवेशन डेथ स्टारवेशन आफ्टर स्टारवेशन डेथ इंडिया एंड बेसिकली ओडिशा के बिके अंचल स्टारवेशन डेथ इज बिग इश्यू बिग इश्यू स्टारवेशन डेथ इज बिग इश्यू एंड मैडम गांधी थैंक यू मैडम गांधी एंड राहुल गांधी एंड फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर मिस्टर सिंह First bill is food security bill. Food security bill and the Naraga bill. Food security bill and Naraga is jointly connect to Naraga and the food security bill. देश में जो भूखा में मरते थे उन लोग को बचाने के लिए Naraga and the food security bill आया. और food security bill and the Naraga bill को damage करने के लिए डैमेज के लिए नरेंद्र मोदी सरकार लाए है आज हमारा चाशी का बिल आया पार्लियामेंट में जैसे ब्रिटिश गवर्नमेंट जैसे रातारात बिल पास करते थे आज भी बीजेपी गवर्नमेंट रातारात बिल पास किया वो ब्लैक बिल है काला बिल है उसको पास किया मंडी 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 इंट्रोड्यूस बाय द कांग्रेस गवर्नमेंट इंट्रोड्यूस बाय कांग्रेस गवर्नमेंट मंडी में हमारा यहाँ पे 87% छोटा चाषी मीडियम कल्टीवेटर एंड हायर ओनली 2-3% हायर जिसका जमीन ज्यादा होता है वो हायर होता है जमीन जिसका एकदम कम है जो 10 क्विंटल 15 क्विंटल पेड़ी कलेक्शन करते हैं उसको एकदम हमारा मोर देन 60% मीडियम 30-20% तो मंडी बंद होने के बाद जब मंडी बंद हो जाएगा तो वो लोग मर जाएंगे जो हम लोग जो यहाँ पे उड़िया में बोलते हैं साहूकार लोग जो जो डायरेक्ट कनेक्ट जो डायरेक्ट कनेक्ट होते हैं बिजनेसमैन जो डायरेक्ट कनेक्ट होगा जो टाटा बिरला अदानी अंबानी उन लोग को शोषण करेंगे थ्रू मीडिएटर थ्रू मीडिएटर तो इसलिए हम लोग चाहते हैं फूड सिक्योरिटी बिल फूड सिक्योरिटी एंड नरेगा को चलाने के लिए तो वो बिल को हम मंडी को करना पड़ेगा जब मंडी नहीं होगा तो कुछ नहीं होगा वेजिटेबल्स इन ओरिशा द चीफनेस ऑफ ओरिशा डिक्लेयर 35% इरिगेशन इन ऑल द ब्लॉक्स बट इन केबीके एंड ऑल्सो ऑल्सो सुंदरगढ़ ऑल्सो मयूरभंज इन सम डोमिनेटेड एंड 90% ट्राइबल्स जो डिस्ट्रिक्ट में जो पहाड़ी डिस्ट्रिक्ट है उसमें ओनली 15% इन बलांगीर ओनली 3% इन इरीगेशन 3% इन इरीगेशन गवर्नमेंट का जो सर्वे है सर्वे में तो इरिगेशन हुआ नहीं जो वेजिटेबल है इन कोरापुट डिस्ट्रिक्ट आई टोल्ड कोरापुट डिस्ट्रिक्ट
every whole year we have product to kobi, adrak, rasan, pyaz, baigan, tomato, aloo, sab whole year hamara production hota hai. To hamare yahan kya hai, pahad aur nadi, pahad aur naal do cheez hai. Wo log kya hamara local technical person, local log वो पहाड़ से पहाड़ का ऊपर में नहीं पानी लेते हैं, ऐसे घुमाते घुमाते पहाड़ का ऊपर में पानी जाता है, ना मोटर नथिंग एल्स, दैट इज लोकल टेक्निक. तो इसीलिए वेजिटेबल ज्यादा होता है. पेड़ी हमारे यहाँ पे जहाँ पे इरिगेशन है वो पेड़ी होता है, नहीं तो पहाड़ में आखू होता है, अदरक होता है, वेजिटेबल्स होता है. तो यहाँ पे होल ओडिशा में सिर्फ 2% कोल्ड स्टोर है. गवर्नमेंट जो दिखा रहे कोल्ड स्टोर चलता है, वो कोल्ड स्टोर चलता नहीं. मैं ऑन पेन एंड पेपर कोल्ड स्टोर चलता है. तो माय पॉइंट इज वी वांट टू रेगुलेशन. तो हमारा जो सरकार है, सरकार में जो कांग्रेस सरकार में जो भी जो कुछ हुआ था, लेकिन आज का दिन में वो वॉकआउट नहीं होता है. जो भी काम होता है बीजू जनता दल का, गवर्नमेंट बोलता है हम क्या है, लेकिन अभी भी स्टारवेशन डेथ होता है. क्यों? मैं क्वेश्चन देख, क्यों लोग छत्तीसगढ़ जाते हैं काम करने के लिए, आंध्र जाते हैं, अदर स्टेट क्यों जाता है लेबर लोग? ड्यू टू यहाँ पे काम नहीं मिलता है. नरेगा योजना इज कंप्लीट फेल इन ओडिशा, कंप्लीट फेल. नरेगा योजना इज कंप्लीट फेल. सम पीपल ब्लॉक में 3-4 पीपल रहते हैं, वो कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, बीजू जनता का लीडर्स कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, लेबर कर लेते हैं और काम करते हैं. पैसा लेबर को 2000 में 100 रुपया देते हैं उन लोग, 1000 के 50 रुपया. तो आज तक तो गवर्नमेंट जो नरेगा योजना में लिखा हुआ है, जो बेकारी भत्ता, एक भी ओडिशा में किसी को, मैं क्वेश्चन किया था, एक भी लेबर लोग को बेकारी भत्ता मिलता नहीं. तो अभी तो असेंबली में, लास्ट असेंबली में बहुत हंगामा हुआ था. अभी भी 20 तारीख में असेंबली शुरू होगा. हमारा फर्स्ट पॉइंट इज ओनली बिल. द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो बिल लाया है, जो बीजेपी गवर्नमेंट बिल लाया है, तो उसको हम विधानसभा लास्ट टाइम उठाया था, लेकिन टाइम नहीं मिला. हमारा अपोजिशन लीडर मिस्टर नरसिंह मिश्रा उसको मेरे से हमसे बात हुआ है, हम लोग बात किया है. वो बिल के लिए हम लोग बहुत डिस्कशन करेंगे और हम लड़ेंगे. लड़ेगा नहीं, जो देश है आपका लवण सत्याग्रह के लिए जैसे लड़ते थे, यदि यंग पीपल, चाषी, इंटेलेक्चुअल सब जैसे एक हो के लड़ेगा नहीं, वो बिल वो लोग लागू कर देंगे, मंडी बंद कर देंगे, गरीब चाषी मर जाएंगे. तो फर्स्ट हम लोग क्या करना है, तो फर्स्ट मंडी कैसे चलेंगे वही सोचना है, वही सोच रहना है. मंडी जब बंद हो जाएगा तो सब कुछ बंद हो जाएगा. एमएसपी कांग्रेस के टाइम में शुरू होता है, एमएसपी शुरू होता है. अभी वो बिल में मैं दिखाऊं, अभी बिल में एमएसपी उठा दिया. एक बार हमारा विधानसभा में हम लोग उठाए थे, आपको मालूम है, उठाए थे मिनिमम सपोर्ट प्राइस को प्राइम मिनिस्टर को टाइम मांगा 2930 रुपीज पर क्विंटल पेड़ी, लेकिन प्राइम मिनिस्टर टाइम नहीं दिए. प्राइम मिनिस्टर दिए असेंबली में, हम चार दिन मेरा गला बंद हो गया. 4 दिन हमारा असेंबली में हंगामा हुआ मिनिमम सपोर्ट प्राइस के लिए, डेढ़ागुन के लिए. प्राइम मिनिस्टर भी डिक्लेयर किया था बरगढ़ मीटिंग में, संबलपुर मीटिंग में, ओडिशा में डिक्लेयर किए थे प्राइम मिनिस्टर, जो बोले है हमारा सरकार आएगा तो हम डेढ़ागुन बढ़ा देंगे पेड़ी का रेट. अभी डेढ़ागुन क्या है, कुछ नहीं बढ़ा, सिर्फ 100 रुपया बढ़ा था. कि स्टेट गवर्नमेंट सब्सिडी नहीं देता है, दूसरा गवर्नमेंट सब्सिडी देते हैं, स्टेट गवर्नमेंट सब्सिडी नहीं देते. हमारे सामने तो हमारे बैठे है, हमारे पीसीसी प्रेसिडेंट में नमस्कार, हमारा डिसीजन लेते हैं. जो मिनिमम सपोर्ट प्राइस स्टेट गवर्नमेंट मिनिमम 500 रुपीज पर क्विंटल,
सब्सिडी नहीं देगा तो चाषी मर जाएंगे, बहुत चाषी सुसाइड कर रहे हैं। क्यों? माइक्रो फाइनेंस, माइक्रो इट इज वन पॉइंट, जो माइक्रो फाइनेंस गांव गांव में लोन देता है, जैसे आपका चिट्ठी फंड हुआ उड़ीसा में, लाइक दैट माइक्रो फाइनेंस लोन देता है चाषी को, चाषी लोन देता है, अभी चाषी जो डूब जाता वो सुसाइड करता है, सुसाइड करता है। आई थिंक 50 चाषी, 50 चाषी ऑलरेडी सुसाइड इन ओडिशा, 51 चाषी ऑलरेडी सुसाइड इन ओडिशा। सो हम लोग कुछ करना पड़ेगा। एक्चुअली आई एम, तो मेरे को मालूम नहीं, मैं तो मेरा बिजनेस कुछ नहीं, मैं चाषी हूँ, पॉलिटिक्स कर रहा हूँ और चाषी। मेरा भी लास्ट टाइम मैं 500 क्विंटल पेडी सेल किया था ऑन पेपर हमारा। आपका जो लैंप है, लैंप सोसाइटी जो लैंप है, जो परचेस करते हैं लैंप है, उसमें भी बहुत करप्शन होता है, होता है। लास्ट असेंबली में हम हल्ला गुल्ला किया तो विजिलेंस इंक्वायरी के लिए स्पीकर रूलिंग दिया, मैं तो थोड़ा छोड़ने वाला नहीं, मैं स्पीकर थैंक्स टू स्पीकर से तो रूलिंग दे दिया, जो करप्शन हुआ उसको विजिलेंस इंक्वायरी करने के लिए। विजिलेंस तो अपना गवर्नमेंट है, बीजेडी का गवर्नमेंट है, वो क्या इंक्वायरी करेगा क्या नहीं तो अलग बात है, बट इंक्वायरी के लिए रिपोर्ट दिया। जयपुर में भी करप्शन जो हुआ था, रिपोर्ट के लिए विजिलेंस, रिपोर्ट विजिलेंस इंक्वायरी के लिए रिपोर्ट दिया। अप टू एंटर यंग मास, जो चाषी परिवार को हमको जोड़ना पड़ेगा, सबको जोड़ना पड़ेगा। जोड़ने के बाद कुछ रेगुलेशन होने के बाद ही कुछ होगा, नहीं तो हम लोग जो जैसे डिस्कशन कर रहे हैं वो तो इंटेलेक्चुअल मैसेज जाएगा, नो प्रॉब्लम, जैसे मैसेज जाएगा तो बहुत इंटेलेक्चुअल बैठे है मैम, तो आई एम नॉट इंटेलेक्चुअल पर्सन, आई एम फील्ड मैन, फील्ड पर्सन। एक फील्ड होता है, एक फाइल होता है, एक फील्ड होता है, एक फाइल होता है। आप लोग को फाइल में आप लोग अच्छा जानते हैं, मैं तो फील्ड में अच्छा जानता हूँ, फाइल में मेरा कुछ आइडिया नहीं है, नो आइडिया। तो मैं मैडम जो आपको मीटिंग बुलाया, मैं आभारी हूँ, मैं एक्चुअली आभारी हूँ। तो कुछ सजेशन लीजिए, तो क्या करना है, क्या करना है, कैसे लड़ना है। लड़ते तो लड़ने के लिए तो शहीद परिवार है, गांधी फैमिली जो शहीद परिवार बोलते हैं हम लोग यहाँ पे, शहीद परिवार है वो लोग, जो सोच है, जो दो बिल लाया है, जो सोच से दो बिल लाया है उसको हम काम करने से ठीक होगा। नहीं तो वो चाषी बिल जो आया है, चाषी बिल जो आया है वो बिल सबको डुबा देगा। थैंक यू, थैंक यू तारा बाबू, आपण जहाँ कहले आपण को पूरा दिल से कहा हमें, और आप ग्रास रूट लेवल का बिल्कुल जो आपने कहा फील्ड से कहा, बिल्कुल सही बात है, आपने फील्ड से कहा, और वो हमारे भी हमें सबको अच्छा लगा, हम आगे आपके साथ काम करेंगे। और एक बात है मैडम, हम आपको रिक्वेस्ट किया था, हाँ जी, एक प्राइवेट बिल के लिए एसएमएल में, हम बिल्कुल आपको इसके ये काम में बिल्कुल मदद करें, आपको उसमें ड्राफ्टिंग करके बिल्कुल कैसे क्या करना है आपके गाइडेंस में हम आपके साथ बिल्कुल काम करेंगे। मेरे को आपके साथ टच में 2-3 दिन उसका उन लोगों के साथ बैठेंगे, वो प्राइवेट बिल हमारा ऑपरेशन लेट से बात किया भी, वो प्राइवेट लाने के लिए हम लोग सोच रहे हैं। आप लोग आप करिए, आपका भोगन सर में कोई है तो मेरे साथ 2-4 घंटा हमारा है पूरा टीम, हमने सब्जेक्ट में काम करके वो पीडीएफ वो जो बनाया है हमने, फिर उसी में आपको हम एक काम करके वो रिपोर्ट देंगे, कैसे आपके साथ बैठ के आपके गाइडेंस में हम करेंगे आपके साथ। जरूर प्राइवेट में जरूर आना है, क्यों गवर्नमेंट देखिए छत्तीसगढ़ देखिए, जहाँ पे कांग्रेस गवर्नमेंट है उन लोगों को दूसरा बिल लाया है उसके अगेंस्ट में, हमारा बीजेडी गवर्नमेंट है, ओडिशा में भी आना चाहिए, ओडिशा में विरोध कर रहा है, बीजेपी को विरोध कर रहा है, केंद्र दिल्ली में सपोर्ट कर रहा है, पार्लियामेंट में तो बिल को आपका आपका अपर हाउस में सपोर्ट किया, लोअर हाउस में विरोध किया, जो विरोध किया है जैसे भी कुछ नहीं इसे विरोध किया है। बट हम लोग चाहते हैं तो गवर्नमेंट नवीन पटनायक बिल लाएगा नहीं, हम लोग हमारा प्राइवेट बिल आने से उसके ऊपर प्रेशर होगा, वो प्रेशर होने के बाद हम भी हंगामा करेगा
तो बिल को हम डिस्कशन करेंगे, वो तो एग्री है करेगा नहीं, बट इनिशियली हम उसको डिस्कशन करेंगे।